जय माता की, जय माँ कुंजल। देखिए बंधु, आज घरसाना से हमारे बनवाए ये बंसी जी भाई साहब और उनके साथी लोग यहाँ पर पधारे हैं माँ कुंजल दरबार में। और इनमें से ये बंसी जी के, जैसे कि कहा, मित्र मान लो इनको, बंधुजन मान लो, और ये गोरक्षा दल के सभी सदस्य हैं। गौ माता की सेवा भी करते हैं और रक्षा करना, सेवा करना एक ही बात है। और साथ ही साथ ये भजन मंडली है, कभी अवसर मिला तो आपको सुनाएंगे इनके भजन। बहुत माँ के कुंजल भक्त हैं और चारों लगभग एक साथ रहते हैं, घरसाना में निवास करते हैं। और कहते हैं कि इसी युग में यदि किसी के पास में प्रेम है, आपसी भाईचारा है, तो सबसे बड़ा करोड़पति कह सकता हूँ या सबसे धनाढ्य कह सकता हूँ उसे। मनुष्य के पास धन तो बहुत होता है लेकिन प्यार और प्रेम नहीं होता। वो सब उन चीज़ों से दूर होकर के ये देखिए चारों भाइयों की तरह रहते हैं। और ये जो है गोरक्षा दल के सदस्य भी हैं, सेवा भी करते हैं और गोरक्षा के लिए बंधुओं को जोड़ते भी हैं। जी बंसी जी, आपका बहुत बहुत आभार जो आज इन बंधुओं को लेकर के आए। अब इन बंधुओं के बारे में मैं अलग अलग से परिचित आप ही करा दो, इधर से बोल दो इनको। जी जी जी, इधर जी, सावरमल जी सारस्वत है। वाह वाह, शर्मा जी सारस्वत बंधु हमारे से भी, मेरे मित्र भी हैं जो सीए हैं कलकत्ता में। और आज माँ के दरबार में आप सब पधारे, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। माँ कुंजल, आप एवं आपके समस्त परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। जय माता, बोल कुंजल माते की जय। जय गो माता, जय जय माता, जय गो माता, जय जय माता। बंधुओं भक्तों, तो देखा आपने गौ रक्षा दल के सदस्य और साथ ही साथ भजन मंडली हमारे बंसी जी की, तो चलिए हम भी सम्मिलित हो जाते हैं इनमें। बनवार जी, माँ कुंजल दरबार में आकर के कैसा लगता है आपको? बहुत बहुत सुंदर लगता है। बंसी जी, शायद ये आप ही की प्रेरणा है जो माँ के दरबार में इनको लेकर के आते हैं, और बड़ी अच्छी बात है। माँ का आशीर्वाद है। माँ का आशीर्वाद है, बिल्कुल सही कहा। और आप शेर सिंह जी पहली दफा आ रहे हैं? अमीर सिंह जी आप पहली दफा आ रहे हैं? नहीं, तीसरी बार आ चुका हूँ मैं। अच्छा। दरबार में बहुत ही आनंद आता है, मस्ती से भजन गाते हैं, नाचते हैं और सुबह भी यज्ञ होता है, बड़ा आनंद आता है। और ये बंसी जी की मेहरबानी है, जगदम्बा की मेहरबानी है। बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैं कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। और सबसे मोटी बात है आपका भाग्य है और मातृश्री आपको बुलाती है। बहुत बहुत आभार आपका। जी बंधु, आप पहली दफा आ रहे हैं कि आप भी? नहीं, तीसरी दफा। आप भी तीसरी दफा आ रहे हैं, पहले शायद अपनी मुलाकात कम हुई होगी या इस आयोजन के तहत क्या के भीड़ भड़का भी रहता है तो सभी से संपर्क नहीं हो पाता, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। माँ के दरबार में जिस तरह से आप आ रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा और माँ अपने आप ही बुलाएगी, उसी तरह से आप आया कीजिए। ये माँ का दरबार जहाँ खुशियाँ अपार, आते नर और नार, भरोसा जिनको भारी है, भरोसा जिनको भारी है, बोल कुंजल मात की। ठीक सर।